उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के अभिभावकों विशेषकर महिलाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महिला प्रेरक समूहों यानी कि वुमेन मोटिवेटर ग्रुप का गठन किया जाएगा। समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठान ने इस बाबत अफसरों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहभागिता को देखते हुए सभी विद्यालयों के स्तर पर यह समूह बनाया गया है जिसमें 12 महिलाएं होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ महिलाएं महिला मंगल दल और कुछ स्वयं सहायता समूह से होंगी और 3 महिलाएं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से होंगी जो विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए होंगी। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। ये सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत जो है महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया है और इसमें हमने सभी विद्यालयों के स्तर पर एक समूह बनाया है जिसमें 12 महिलाएं होंगी, जिसमें से कुछ महिला मंगल दल से होंगी, कुछ महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह की होंगी। इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उससे भी 3 महिलाएँ होंगी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स SC ST कैटेगरी से होंगी। तो इस तरह से मिला के एक जो ग्रुप बनेगा 12 महिलाओं का, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग से ANM भी होगी। ये सब मिलकर के मुख्य रूप से उस विद्यालय के को विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। वो समय समय पर जाके विद्यालय का भ्रमण करेंगे, वहाँ के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, वहाँ की क्या समस्याएं हैं उन पर अब ध्यान देंगे। इसके अलावा वहाँ पे बालिकाओं से संबंधित क्या मामले हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, पोषण से संबंधित हो, ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस पे भी फोकस करेंगे। वो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है किसी ना किसी कारण से, उन कारणों का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा जो एक सपनों की उड़ान कार्यक्रम चलता है हमारे महीने के अंतिम शनिवार को, उसमें भी वो लोग प्रतिभाग करेंगी। तो इस तरह से उनका कुल मिलाकर के जो विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां हैं, चाहे वो पठन पाठन से संबंधित हों या अन्य समस्याएं हों, उसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व होकर के विश्लेषण करेंगी कि क्या समस्याएं हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास में जो है योगदान देंगे।